प्यारे प्यारे दीनी भाइयों, अपडेट फॉर विज़न में आपका इस्तकबाल है। आज तामीरी अदब हिस्सा अव्वल के पेज नंबर 23 और 24 से 35वां सबक लेकर हम हाजिर हैं। इस 35वें सबक में अलिफ़ी मकसूरा के बारे में बताया गया है। ये छोटा वाला अलिफ जो आप देख रहे हैं, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं और खाड़ा ज़बर भी कहते हैं। अलिफ मकसूरा का मतलब ये है कि इसको खींच के नहीं पढ़ा जाएगा, जल्दी पढ़ा जाएगा। इस सबक को हम हिज्जे पढ़ेंगे और आने वाला सबक जो दूसरा पार्ट है सबक का, उसको रवा पढ़ेंगे। तो आइए सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीफ दाल ज़बर अद, नून खाड़ा ज़बर ना। ये नून के बाद ये है, ये के ऊपर खाड़ा ज़बर है, मगर नून ये खाड़ा ज़बर ना नहीं कहेंगे। नून खाड़ा ज़बर ना, अद ना, मीम आयन ज़बर मा, नून खाड़ा ज़बर ना, मा ना। अलीफ आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, आला। ते ज़बर ता, आइन अलिफ ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, ताला। मीम पे स्मू, स्वाद लाम ज़बर सल, लाम खड़ा ज़बर ला, मुसल्ला। अब यह देखिए, ये दूसरा लफ्ज़ है। गाफ अलीफ ज़बर गा, हे साकिन, गाह। मीम पेशमू, तो अलीफ ज़बर ता, बे काफ ज़ेर बिक, मुताबिक। आयन ये ज़ेर ई, दाल साकिन, ईद। मीम ज़ाल ज़बर मज़, हे बे ज़बर हब, मज़हब। मीम ज़ेर मी, ये अलीफ ज़बर या, नून गुन्ना। ये बगैर नुक्ता वाला नून है, जिसको नून गुन्ना कहते हैं, जो पीछे के सबक में मैंने बताया था। नून गुन्ना, मीम ज़ेर मी, ये अलिफ ज़बर या, नून गुन्ना। मियाँ आइन ज़बर आ, काफ ये ज़ेर की, दाल है ज़बर दा, अकीदा। आइन ज़बर आ, लाम ये ज़बर लई, काफ साकिन, अलैक। अब ये 35वां सबक का दूसरा पार्ट, जिसको हम सिर्फ रवा पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ आप भी पढ़िए, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ और आप मेरे साथ जुमलों को दोहराते चलें। अल्लाह ताला हमारा और सबका रब है, सारे जहान को उसी ने पैदा किया, वही अकेला खुदा है, उसका कोई साझी नहीं। ईदगाह में अदना आला हर तरह के लोग आते हैं। मुसल्ला का माना जा नमाज है। वो आदमी अच्छा है जो नमाज रोज़ा का पाबंद है। जब अल्लाह ताला का नाम लेना हो तो अल्लाह पाक या अल्लाह ताला या खुदाए पाक कहा करो। खबरदार, अल्लाह मियाँ हरगिज ना कहो। जाओ मुसल्ला उठा लाओ, हम नमाज पढ़ेंगे। सिर्फ सुन्नी मजहब के मुताबिक अपना अकीदा रखो, या नबी सलामु अलैका पढ़ो।
ये या नबी सलाम अलैका जो है अरबी की तरह लिखा गया है, या नबी सलाम अलैका पढ़ो। 35वां सबक ख़त्म हुआ। इसको बार बार आप वीडियो को पीछे करके याद कर लें। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जितना भी नया वीडियो डाला जाए वह आप तक पहले पहुंचे।